दोस्तों नमस्कार। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है क्वाड, द एशियन नाटो एंड मलाबार एक्सरसाइजेस, आइडिया ऑफ क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको इनिशिएट किया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने साल 2006 में। क्वाड के अंदर इस टाइम पे चार कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2008 में फॉर कंसल्टेशन पर्पसेस। बाद में इसको कन्वर्ट किया गया एक ग्रुप में टू काउंटर चाइना एट सी बिकॉज ऑफ चाइनीज असर्टिवनेस और थ्रेटनिंग पोस्टर्स जो थे उसके चाइना के साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में और इंडियन ओशन में। जून 2019 में जैपनीज प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पे क्वाड के लीडर्स यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के लीडर्स इकट्ठे मिले, इकट्ठे बैठे, बातचीत की, जबकि G20 की मीटिंग हो रही थी ओसाका में, उसके साइडलाइन से मिलकर के इन लीडर्स ने आपस में बातचीत की क्वाड के बारे में, जिसको ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट मीटिंग थी क्वाड की। क्वाड की सेकेंड मीटिंग होल्ड की गई थी जब इन क्वाड के लीडर्स के फॉरेन मिनिस्टर्स यानी के इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले टोक्यो में 6 अक्टूबर 2020 को, और इनका मेन पर्पज था कलेक्टिवली चाइना को काउंटर करना। ये मीटिंग सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इसका जो पीरियड था वो था कोविड-19 का, और इसके बावजूद भी इन लीडर्स ने मीटिंग की, और ये मीटिंग इन्होंने की पर्सन में, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने की, यानी कि पर्सनली मिलकर के इन्होंने मीटिंग अटेंड की। साथ में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने अपनी सारी जो प्रोग्राम्स को कैंसिल किया हुआ था एशिया में उनके आने का, लेकिन इस विजिट को उन्होंने ऑन रखा और ये मीटिंग अटेंड की। इस मीटिंग के बाद जितने भी लीडर्स थे यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, इन्होंने डायरेक्टली चाइना को काउंटर नहीं किया। अपनी जो स्टेटमेंट थी प्रेस के अंदर उन्होंने इसको इनडायरेक्टली किया, चाइना के किसी ने में नाम नहीं लिया, लेकिन जो माइक पोम्पियो है यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने चाइना को एक्यूज किया कि चाइना एक एग्रेसर है साउथ चाइना सी के अंदर, ईस्ट चाइना सी में, द मैकोंग में, हिमालयस में और ताइवान स्टेट में। अब हम बात करेंगे मलाबार एक्सरसाइज। मलाबार एक्सरसाइज रेगुलरली कंडक्ट की जाती है बे ऑफ बंगाल में टू काउंटर चाइना। इंडिया और यूएस रेगुलरली इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं 2007 से। जब 2007 में यह एक्सरसाइज होल्ड की गई थी तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैक कर गया। 2015 को इंडिया ने जापान को इन्वाइट किया मलाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसके बाद से जापान भी रेगुलरली इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। जापान पहले भी चाहता था कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना, लेकिन इंडिया की तरफ से हेजिटेंस थी क्योंकि इंडिया किसी तरीके से चाइना को नाराज नहीं करना चाहता था और ये उनको ये इंडिकेशन नहीं देना चाहता था कि ये एक्सरसाइजेस चाइना के खिलाफ है। लेकिन जब इंडिया थोड़ा असर्टिव हुआ उसने जापान को भी इन्वाइट किया और तब से जापान भी इस एक्सरसाइज में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया ने फाइनली अक्टूबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया मलाबार एक्सरसाइज ज्वाइन करने के लिए। अब मलाबार एक्सरसाइजेस जो नेक्स्ट होगी वो होगी नवंबर 2020 में, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें ऑस्ट्रेलिया 13 साल के बाद दोबारा ज्वाइन करेगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अब 2020 में 13 साल के बाद इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और ये एक्सरसाइजेस बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में कंडक्ट की जाएगी। इसके कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस हैं, यानी कि वर्ल्ड को बताना कि हम इकट्ठे हैं, इसीलिए एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल से लेकर साउथ अरबियन सी तक जाएंगे, ताकि वर्ल्ड को इसकी पूरी नॉलेज हो कि ये चार कंट्रीज इकट्ठी हो चुकी है चाइना के खिलाफ भी, या बाकी भी जो कंट्री चाइना के सपोर्ट करेगी पाकिस्तान जैसी उनके भी खिलाफ भी जो चार क्वाड के मेंबर्स हैं इकट्ठे खड़े होंगे। ग्लोबल टाइम्स जो माउथ पीस है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने एक एडिटोरियल लिखा जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया। उसने ये कहा कि ये जो एक्सरसाइज है ये इसलिए कंडक्ट की जा रही है कि ताकि चाइना पे प्रेशर डाला जा सके। ग्लोबल टाइम्स ने यूएस को ब्लेम किया कि यूएस कोशिश कर रहा है कि क्वाड को कन्वर्ट करने की एशियन नाटो में, और उसका एम है चाइना को काउंटर करना। अगस्त 2016 में इंडिया और यूएस ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी वजह से दोनों कंट्री एक दूसरे के नेवल बेसिस, नेवल पोर्ट्स को यूज कर सकेंगे। जून 2020 में
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी सिमिलर एग्रीमेंट किया, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के पोर्ट्स को यूज कर सकेंगे। और इसका जो मेन एम था ये था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड यूज कर सकेगा और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोको आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में, उसको यूज कर सकेगा। और इसके साथ एक और पर्पज था कि इंडिया का जो अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस है उसको स्ट्रेंथन करने का। और ये ट्राई सर्विस बैठा है इंडिया का अंडमान निकोबार में, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों है, उसको एक इंडिया स्ट्रांग करना चाहता है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। सितंबर 2020 में इंडिया और जापान ने भी एक ऐसे एग्रीमेंट साइन किया, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज की नेवीज एक दूसरे के नेवल पोर्ट्स को यूज कर सकेंगी। इससे क्लियर हो जाता है कि इंडिया ने तीनों कंट्रीज को ऐड की, यानी कि यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है सिक्योरिटी का, जिसकी वजह से इंडिया इन तीनों कंट्रीज के नेवल बेसिस यूज कर सकेगा और ये तीनों कंट्रीज इंडिया के नेवल बेसिस यूज कर सकेंगे। जब से चाइना ने लद्दाख में अपना ऑफेंसिव पोस्चर शुरू किया है, इंडिया ने उसको कन्फ्रंट किया बॉर्डर के ऊपर, साथ साथ इंडिया ने चाइना को भी कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया सी के अंदर। ऑल्दो इंडिया चाइना को अकेला काउंटर कर रहा है बॉर्डर पे, और इंडिया की कैपेसिटी भी है, लेकिन चाइना को सी में कंट्रोल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ दूसरे क्वाड के मेंबर्स खड़े हैं, यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो कलेक्टिवली चैलेंज कर रहे हैं चाइना को इंडिया के साथ मिलकर। क्वाड के सेक्शन से यह क्लियर हो जाता है कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान इकट्ठे हो चुके हैं चाइना की अग्रेसिवनेस की वजह से इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में उसको काउंटर करने के लिए। क्वाड का जो मैकेनिज्म है, इसका एक पर्पस है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि चाइना यहां सी के अंदर बहुत अग्रेसिव है अपने नेबर्स के साथ भी, और कोशिश कर रहा है किस तरीके में साउथ चाइना सी में भी लोगों को तंग करने की, ईस्ट चाइना सी में भी ये तंग कर रहा है, और साथ में इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना घुस के इंडिया को परेशान करने की कोशिश करता है। इनकी सब मैरिन्स इंडियन ओशन में रेगुलरली चक्कर काटती रहती है, जिसकी वजह से इंडिया ने अब सोचा कि चाइना को एक प्रॉपर तरीके से काउंटर किया जाए। इसके साथ साथ एक बड़ी और मेजर डेवलपमेंट हो रही है, यूएस ने एक डिसीजन लिया जिसकी वजह से वो जो एयरफोर्स है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान की, उसको इनवाइट करने की कोशिश सोच रहे हैं। उनके एंडरसन एयर बेस है जो ग्वाम में है, इनके साथ अमेरिका चाहता है कि इन तीनों कंट्रीज के साथ, यानी कि क्वाड मेंबर कंट्रीज के साथ, एक पूरे तरीके से वो एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व करे। पर्पज है वो काउंटर करने की पर्पज है चाइना की, क्योंकि इस एरिया में या एशिया के अंदर एक चाइना ऐसी कंट्री है जो एग्रेसिव है सबके साथ। क्वाड के बारे में कहा जाता है कि ये एक मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको इसका जो पर्पस है वो है टू कंटेन चाइना इन द रीजन। मीनवाइल जर्मनी और फ्रांस भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। इंडिया और फ्रांस ने आपस का सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था मार्च 2018 में, और इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के नेवल बेसिस को यूज कर सकते हैं। चाइना बहुत वरिड है जिस तरीके से क्वाड को डेवलप किया जा रहा है एक नेवल फोर्स की तरफ, और साथ में क्वाड को एस एयर फोर्स की तरफ भी कन्वर्ट किया जा रहा है, कि ये कंट्रीज को ये कोशिश कर रही हैं कि आपस में इनकी नेवल कॉपरेशन हो और एयर कॉपरेशन भी हो। और चाइना इस अलायंस को नाम दे रहा है एशियन नाटो टू काउंटर चाइना। ये बड़ा एक इफेक्टिव वेपन बने चाइना को काउंटर करने के लिए सी के अंदर, ताकि चाइना की जो दादागिरी है इस एरिया में वो खत्म हो। जय हिंद, जय भारत।